नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुबह उठ गए होंगे, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपके पास करेंट अफेयर्स आ गए हैं। करेंट अफेयर्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको पढ़कर खुशी मिलेगी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो वर्तमान समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं, अगर ये उच्चतम स्तर पर पहुंचा है तो इसकी वजह क्या है? अर्थव्यवस्था तो चरमरा रही है, फिर विदेशी मुद्रा भंडार ऊपर कैसे पहुंच गया? जरूर बात करेंगे इस बारे में, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग भी रीजनिंग का बैच एकदम शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट रीजनिंग बैच पढ़ना चाहते हो, तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन हाल फिलहाल एक रीजनिंग का बैच मैंने शुरू किया है और वो 3 जुलाई यानी कि कल के दिन से उसको शुरू कर दिया था और आप वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको द एडु स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 6 जुलाई से आइए, बड़ा मजा करेंगे, 2:30 बजे से क्लास रहेगी और अब हम लाइव क्लास लेंगे पेड में, तो उसके बाद और पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी, क्विज वगैरह भी मिलेगा। कुल मिलाकर रीजनिंग का जो स्तर है वो फ्री वाला भी है और जो आपका पेड वाला भी, मिला जुला के पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और अगर आपको जरूरत नहीं है तो जिसको जरूरत है उसको आप बता सकते हैं। कोई आपसे पूछता होगा ना कि भाई रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तो आप मेरा कोर्स बेझिझक होकर रिकमेंड कर सकते हो। इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि वो आपको गाली नहीं देगा कि भैया किसका पकड़ा दिया तुमने, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं, करंट अफेयर्स का पहली जानकारी की ओर चलते हैं। पहली जानकारी, आपने सुना होगा कि COVID-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, हमारे यहां नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ। ऐसे में बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो अलग अलग देशों में, खासकर खाड़ी देशों में, अफ्रीका में, अमेरिका में फंस गए क्या मतलब, उनको भी अपने घर आने की इच्छा सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस के चलते वो अपने देश की मिट्टी को भी नसीब ना हो पाए। ऐसे में सभी लोगों ने पंजीकरण कराना शुरू किया, भारतीय दूतावासों में पंजीकरण कराना शुरू किया और 2 अभियान चलाए गए, एक था वंदे भारत अभियान और एक था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये सभी प्रवासी भारतीयों को वापस लाने से संबंधित प्रोग्राम था और हाल फिलहाल इसके चरण में अब तक इसके आंकड़े जारी किए गए हैं कि अब तक कितने लोगों को वहां पर यानी कि वापस अपने देश लाया गया है। न्यूज की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो है समुद्र से मतलब है भाई, इसमें वायुसेना तो आएगी नहीं समुद्र में, नौसेना ही आएगी, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए तैनात किए गए INS जलस्व, नाम जरूर याद रखेंगे, ने 1 जुलाई 2020 को लगभग 687 भारतीय नागरिक के साथ तूतीकोरिन बंदरगाह पे प्रवेश किया। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन बंदरगाह, बंदरगाह में प्रवेश किया, जिसकी साथ ही भारतीय नौसेना के जहाजों के माध्यम से ईरान से वापस लाए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 920 पहुंच गई। तमिलनाडु का तूतीकोरिन अभी चर्चा में भी रहा था, यहां पर इसरो अपना जो है ये दूसरा प्रक्षेपण केंद्र बनाने की बात कर रहा है। भारतीय नौसेना के अनुसार ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया के तहत COVID-19 से संबंधित समस्त सुरक्षा संबंधी उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस सफल निकासी के साथ ही भारतीय नौसेना अब तक महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कुल 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई है। यह संपूर्ण कार्य भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत किया गया है। INS जलस्व नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना के कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। तो INS जलस्व जो है ये नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है। एम्फीबियस प्लेटफॉर्म का मतलब आप ये समझिए कि ये जलावतरण भी कर सकता है और ऊपर भी चल सकता है, तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है और इसका सहारा लिया गया ताकि जो प्रवासी भारतीय उनको वापस लाया जा सके। इसके अलावा एक और न्यूज, जब ये आंकड़े जारी हुए तो वंदे भारत अभियान के जरिए भी आंकड़े जारी हुए, एबीपी न्यूज के हवाले से मुझे ये वहां पे न्यूज मिली, 4,75,000 भारतीयों को विदेश से वापस लाया गया है और ये अपने आप में इस तरह का माइग्रेंट का यानी कि इस तरह से प्रवासी भारतीयों के वापस आने का सबसे बड़ा मामला है। तो वंदे भारत अभियान के तहत 4.75 लाख यानी कि 4,75,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। वंदे भारत अभियान भारतीय वायुसेना का था, ऑपरेशन समुद्र सेतु आपका नौसेना था। अगली जानकारी है, एक पुस्तक की बात की गई है, एक पुस्तक जिसका इनॉग्रेशन, जिसको रिलीज किया, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, रिलीज बाय उपराष्ट्रपति यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम वेंकैया नायडू द्वारा, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, हमारे देश में
उच्च शिक्षा का भविष्य क्या है उसके बारे में ये बात की गई है। द 9 मेगा ट्रेंड, उसमें 9 कौन कौन से मुख्य विषय शामिल किए गए हैं। ये पुस्तक सीएबी पट्टाभी राम द्वारा लिखी गई है। सीएबी पट्टाभी राम से याद आया, पट्टाभी सीतारामैया का नाम याद आता है। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ये प्रश्न अभी सीजीएल 2019 का जो प्री पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया। आईसीटी एकेडमी क्या है? आईसीटी एकेडमी अगर आप देखेंगे तो हर राज्य में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई गई एक संस्था है जिसका काम यह है कि किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। क्योंकि आप मान के चलिए अगर किसी को भी आज YouTube पे वीडियो देखना है या डिजिटल एजुकेशन चाहिए तो उसे कम से कम एक एंड्रॉइड डिवाइस चाहिए, वो 5,000 से 6,000 रुपए से कम में बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसको अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, जहां पे भारत के पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो भुखमरी की कगार पर है, वो एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी COVID-19 के दौरान जो स्कूल एजुकेशन है वो पूरी तरह से ठप पड़ी, जो कोचिंग एजुकेशन है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ी। तो अब डिजिटल एजुकेशन जो है वो एक बड़ा ही पर्याय विषय बन गया है कि सबके पास इसको कैसे पहुंचाया जाए। तो इस बारे में चर्चा करती हुई ये पुस्तक है। आईसीटी एकेडमी का काम ही यही है कि किस तरीके से डिजिटल चीजों को अफोर्डेबल बनाया जाए। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलू जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक नया बदलाव आया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है जो आईसीटी एकेडमी के स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का एक हिस्सा है। आईसीटी एकेडमी एक स्काई कैंपस नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती है जिसमें विश्व भारत के कई सारे प्रमुख शिक्षक जुड़े हुए हैं और अपने अपने वो लेक्चर वहां पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हाल फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन द 9 मेगा ट्रेंड, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सीएबी पट्टाभी राम ने। इसका विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगली जानकारी के साथ चलते हैं। तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार लेखन के लिए दिया जाता है और ये इसका पुरस्कार के जो विजेता लेखक है उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चिट्टी को COVID-19 महामारी को रोकने के लिए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी को उनके कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग करके मंचों और उनके व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के माध्यम से COVID-19 के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए संबोधित किया गया है, सम्मानित किया गया है। जबकि राज चेट्टी जो कि एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है, तो महामारी से लड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने, यानी कि इससे लड़ने पर आर्थिक प्रभाव क्या आएगा, किस तरीके से इकोनॉमी काम करेगी, कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें आएंगे, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार ये कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो मेन मकसद होता है वो ये, इनका ये मानना है कि अमेरिका में जिन लोगों ने भी अमेरिका को आगे पहुंचाया उसमें प्रवासियों का बड़ा योगदान है, तो हर साल प्रवासियों को सम्मानित करने के लिए ये लोग यहां पर इस पुरस्कार का आयोजन करते हैं। इमिग्रेंट्स क्या होता है? इमिग्रेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा देशवासी या एक ऐसा प्रवासी जो आजीवन यानी कि परमानेंटली वहां पर सेटल हो गया। जैसे सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी की बात करें तो ये दोनों ही लोग आपके अमेरिका में सेटल हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को इमिग्रेंट्स कहा जाता है, यानी कि अप्रवासी। सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। सिद्धार्थ मुखर्जी का जन्म दिल्ली में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध ऑंकोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी और कई प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द एम्परर ऑफ मलाइट्स, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था जो कैंसर के उपचार और अनुसंधान के इतिहास पर केंद्रित है। वर्ष 2009 से वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के संकाय में सेवारत है जहां वे एक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन अस्पताल में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। जबकि राज चेट्टी दिल्ली में पैदा हुए थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रोफेसरों में एक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर कार्य करने के अलावा वे अपॉर्चुनिटी इंसाइट्स का निर्देशन भी कर रहे हैं जो कि एक अनुसंधान प्रयोगशाला है और जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधाओं की पहचान करके उन्हें दूर करने के लिए नीतिगत समाधान तलाशने के लिए काम करना है। अगली जानकारी तो चलते हैं। खेल मंत्री जी ने अभी हाल ही में नाडा ऐप लॉन्च किया। आपने देखा होगा इस वर्ष कई सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी और एथलीट रहे जिनके ऊपर नाडा ने
डोपिंग की वजह से प्रतिबंध लगा दिया। और उन सभी के बयान में सामने आया, लगभग सभी ने यह बयान दिया कि उन्होंने अनजाने में इन स्टेरॉइड या इन पदार्थों का सेवन कर लिया जिनको डोपिंग विरोधी माना जाता है। अब ऐसे में इस बात का पता कैसा चले कि कौन सा पदार्थ हमें सेवन करना चाहिए, कौन से पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, और खिलाड़ी जो वाकई में अपने प्रदर्शन के लिए बारे में चिंतित है वो कैसे इन पदार्थों के बारे में पता लगाए, कैसे इन पदार्थों में बाइफरकेट करें, कैसे इन पदार्थों के बारे में अंदाजा लगाए, तो उसके लिए नाडा ने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम रखा गया है नाडा ऐप, और इसको लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ये खिलाड़ियों को बड़े आसानी से यह बता देगा कि जो पदार्थ आप सेवन करने जा रहे हैं वो आपके लिए नाडा द्वारा प्रतिबंधित है या वाडा द्वारा प्रतिबंधित है। नाडा की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और अभी हाल ही में उन्होंने सुनील शेट्टी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ताकि जो खेल भावना है उसको स्वच्छ रखा जा सके और डोपिंग रोधी मतलब कि डोपिंग के बिना खेल किया जाए और शुद्ध प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी आगे आने का मौका मिले। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने हाल ही में खिलाड़ियों के खेल और निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन नाडा ऐप लॉन्च किया। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं एवं उनके प्रयोग से बचने की जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी खेलों के विभिन्न पहलुओं खासकर प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न करने को लेकर जागरूक हो सकेंगे। इस ऐप को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छ खेल अभ्यास के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामान्य दवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के अलावा यह ऐप खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल में डोपिंग से संबंधित नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में भी सूचित करेगा। इस ऐप के प्रयोग से खिलाड़ी स्वयं ही प्रतिबंधित पदार्थ का पता लगा सकेंगे और इस कार्य के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नाडा की बात करें तो नाडा की जो स्थापना है ये 24 नवंबर 2005 में की गई थी, मतलब ज्यादा पुरानी संस्था नहीं है, लगभग 15 साल हुए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती है। इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नवीन अग्रवाल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। यह बड़ी जानकारी है, रक्षा सौदे के लिए 38,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है और ऐसा भारत और चीन की सीमा पर तनाव के चलते किया गया है। खास पॉइंट यह है कि 38,900 करोड़ रुपए में आपके 33 लड़ाकू विमान लिए जाएंगे जिसमें से 21 MiG-29 होंगे और 12 सुखोई टाइप के SU-30 MKI लड़ाकू विमान होंगे, इनको खरीदा जाएगा। साथ ही हमारे पास जो 59 MiG-29 लड़ाकू विमान है उनको अपग्रेड किया जाएगा और रूस से MiG-29 लड़ाकू विमान की खरीद की जाएगी। साथ ही MiG-21 लड़ाकू विमानों को अपग्रेडेशन भी रूस से कराया जाएगा। MiG-21 होना चाहिए, हाँ 29 और MiG-21 का लड़ाकू विमान को अपग्रेडेशन भी कराया जाएगा। इस पर लगभग 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि SU-30 MKI ये वैसे तो रूस का विमान है लेकिन इसकी जो खरीद की जाएगी वो HAL के जरिए की जाएगी। आप कंफ्यूज मत होना कि SU-30 MKI जो लड़ाकू विमान है वो HAL बनाएगी, HAL नहीं बनाएगी, इसी खरीद जो है वो HAL के थ्रू की जाएगी। इससे क्या होगा, इससे मतलब जो HAL है उसको टेक्नोलॉजी खरीदने का मौका मिलेगा। दूसरा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम भी होगा कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम HAL में करेंगे, HAL अपने हिसाब से किधर लेके जाती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन पर 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे, रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल है जो DRDO ने डेवलप किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कम से कम आप 22 मिसाइलें ऐसे बनाइए जो 1000 किलोमीटर तक की मार्क कर सके। तो 248 एयर मिसाइल खरीदी जाएंगी और ये DRDO से खरीदी जाएगी। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें 31,130 करोड़ रुपए के अधिग्रहण यानी कि जो भी एक्विजिशन होंगे वो भारतीय इंडस्ट्री के थ्रू किए जाएंगे। पिनाका रॉकेट लॉन्चर होगा इसमें, BMP कॉम्बैट व्हीकल होगा और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी मंजूरी दी गई है, जो बड़ी बात है। 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने की बात की गई है, 21 MiG-29 और 12 सुखोई। अगली जानकारी की तरफ चले तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि मैंने बात की, अब मेरी पूरी जानकारी को आप ढंग से समझना। हुआ क्या कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अर्थव्यवस्था खराब होने के दौरान भी $500 बिलियन को पार कर गया और यह अब तक का हमारे पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। यह इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम अपने जो भी हमें
इंपोर्ट करना होता है, जो भी चीजें हमें मंगानी होती हैं बाहर से, हम 13 महीने तक बड़े आराम से अभी मंगा सकते हैं। तो इसकी वजह क्या रही, किस वजह से आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। विदेशी मुद्रा भंडार को आप कह सकते हो आपकी पर्टिकुलर सेविंग, किसी देश की सेविंग ही उसका विदेशी मुद्रा भंडार नियत करती है। जैसे लेट अस सपोज कि मैं 10 रुपए है मेरे पास और मैंने बाहर से कोई चीज खरीदी 12 रुपए में, 10 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी और उसको मैंने बाहर 12 रुपए में बेची, तो बाहर जब मैं 12 रुपए में बेचता हूं तो 2 रुपए मेरे पास आता है प्रॉफिट। तो 10 तो था ही, 2 रुपए जो हो गया वो मेरा प्रॉफिट हो गया, और इस तरीके से 2 रुपए करते करते धीरे धीरे बढ़ता है। सिंपल बात करते हैं कि जब भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है उसका सीधा सा मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता चला जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए इकोनॉमिक टर्म, और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने यहां से कोई चीज बाहर भेजते हैं। तो अगर आप देखो एक्सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा, तो जाहिर सी बात है डॉलर अंदर आएगा। एक्सपोर्ट करने का मतलब आपने अंदर से चीजें बाहर भेजी, अब आप चीजें बाहर भेजोगे तो डॉलर अंदर आएगा। और जब आप इंपोर्ट करते हो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बाहर से चीजें मंगा रहे हो, तो बाहर वाला आपका रुपया नहीं लेगा, वो डॉलर ही लेगा। जैसे आपको तेल खरीदना होता है तो वो तेल की जो हम कीमत अदा करते हैं, भारत जो अदा करता है वो डॉलर में अदा करता है। तो इंपोर्ट अगर कम हो जाए एग्जैक्टली, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज अपने आप ऊपर आने लगता है। इंपोर्ट क्यों कम हुआ? COVID-19 के दौरान लॉकडाउन रहा, बहुत सारे देशों की सीमाएं सील रही, जिसकी वजह से भारत का इंपोर्ट कम हो गया। हमने बहुत सारे देशों से बाहर से अभी पिछले कुछ महीने के दौरान बहुत कुछ नहीं मंगाया। यहां पर ऐसा मत सोचिएगा कि कोई ऐसा जादू की छड़ी चल गई है, अचानक से भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज जो है बढ़ गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है तेल की कीमतों में बेतहाशा कमी। आप कहोगे सर कमी, यहां तो पेट्रोल बहुत बढ़ता है, वो भारत में बढ़ रहा है, लेकिन अभी तेल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम जो इंपोर्ट करते थे, हम जो तेल के लिए पैसा अदा करते थे वो कम हो गया है। इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट उतना ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बढ़ेगा ही, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये ज्यादा दिन की खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम अपने डर्रे पर वापस आएंगे, हम अपना इंपोर्ट चालू करेंगे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घट जाएगा। फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही, अच्छा है। अभी मेरा जो मकसद था इस स्लाइड को समझाने का वो ये था कि फॉरेक्स रिजर्व आपको समझ में आ जाए, उसके लिए कौन कौन से की फैक्टर काम करते हैं वो आपके समझ में आ जाए। बहुत आसान भाषा में समझाने की बात की है, बाकी बहुत सारा होता है, डेप्ट क्या चल रहा है, लोन क्या लिया है भारत ने, भाई लोन भी तो ले रहा है लगातार, वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले रहा है, आपका एडीबी से भी लोन ले रहा है, सभी जगह से पैसा भी तो आ रहा है, डॉलर में ही तो आ रहा है, तो ये सब का भी इफेक्ट होता है। लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप अपने इकोनॉमिक्स वाले मास्टर से पढ़ना, भाई उनको भी तो पैसा देते हो। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो वर्तमान में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया में सबसे पांचवा सबसे बड़ा हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1/5 हिस्से के बराबर हो गया है, और इसे 13 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त तो माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी वजह, हाँ ये मेरे दिमाग से उतर गया, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये भारत का सबसे बड़ा कैपिटल वाली कंपनी बनी अभी, और इसके लिए उन्होंने कई सारे लगभग 12 या 13 कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेची है, और जिसके जरिए इन्होंने बहुत ज्यादा डॉलर कमाया, और ये पूरी तरह से ऋण मुक्त होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। इसने भी इसमें योगदान दिया है $25 बिलियन का, इन 500 बिलियन डॉलर में तो $25 बिलियन तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिए। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो भारत का जो डॉलर है वो 500, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपका 500 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया। अगली जानकारी तक चलते हैं, दिल्ली में लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे। पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा टी प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन करने वाली है। यह अभियान 10 से लेकर 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने संकल्प पर्व के नाम पे आपको एक चीज बताई थी। संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने एक पहल शुरू की थी संस्कृत संकल्प पर्व। इसमें वो करने के हवाले हैं, इसमें वो सभी जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उनमें पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले हैं। ये जो शुरू हुआ था ये 28 जून से 12 जुलाई तक चलने वाला है पर्व है, जो देश में चल रहा है। उसी बीच में ये प्लांटेशन पर्व यहां पे शुरू हो गया 10 से लेकर 26 जुलाई के बीच दिल्ली सरकार में।
राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य अभियान शुरू किया गया है। 17 दिनों का यह अभियान रहेगा और इसमें 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 में ITO के पास अभियान का शुभारंभ किया गया और 31 लाख पौधों में से 20 लाख पौधे बड़े पेड़ों के होंगे और 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे और इस तरीके से पर्यावरण को सुधारने की बात की जा रही है। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल और आपके जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल। अगली जानकारी चलते हैं, ये है मलावी। मलावी के नाम बड़ा अजीब है इनका, लजारस चकवेरा। मलावी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल मलावी कांग्रेस पार्टी के नेता लाजर मैकार्थी चकवेरा ने जीत हासिल की है। यहां न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद दोबारा चुनाव कराए गए थे। मौजूदा राष्ट्रपति पीटर मुथरिका ने दोबारा चुनाव कराने के अदालत के निर्णय को मलावी के इतिहास में सबसे खराब करार दिया था, लेकिन फिर निर्णय पलट गए और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की लाजर मैकार्थी चकवेरा ने, जिसमें लाजर मैकार्थी चकवेरा ने 58% मत के साथ चुनाव में जीत हासिल की है और मौजूदा राष्ट्रपति मुथरिका को 17 लाख वोट प्राप्त हुए थे जबकि उनके विपक्षी को 26 लाख वोट प्राप्त हुए। मलावी दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और मलावी गणराज्य दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसे पूर्व में न्यासालैंड कहा जाता था, पहले कभी इसको न्यासालैंड कहा जाता था। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील मलावी के दक्षिण और पश्चिमी किनारे के साथ साथ जेम्बेजी नदी तक फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण लंबाई 2500 मील तथा चौड़ाई 50 से 130 मील है। संपूर्ण राष्ट्र तीनों प्रांतों में विभक्त है। यहां की जो राजधानी है, मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। राष्ट्रपति है लजारस चकवेरा, अभी बने। मुद्रा है मलावियाई क्वाचा। महाद्वीप अफ्रीका। जनसंख्या 18.14 मिलियन। आधिकारिक भाषा यहां पर अंग्रेजी ही बोली जाती है। अगली जानकारी तो चलते हैं, आपको केरला ले चलते हैं। केरला में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। केरला सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों का पुनर्वास और राज्य का समग्र विकास रहेगा। महामारी के दौरान विदेश और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में पेशेवर लौटकर वापस आए हैं। साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के भविष्य के लिए उनकी क्षमता का दोहन करना भी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जाने वाली यह परियोजना जनता को केरल के भविष्य पर सुझाव और विचार देने के लिए प्रदान करेगी। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह का कोई भी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, हल्का सा याद बना रहेगा तो भी हो जाएगा। वो पेपर में कतई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि उत्तर प्रदेश ने रोजगार को संभालने के लिए या प्रवासियों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, केरला ने कौन सी शुरू की थी, तो ये कतई नहीं पूछने वाले। अब बस याद रखो कि केरला सरकार ने, तो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और आपके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। सरोज खान जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, डायबिटीज की समस्या से पीड़ित थी जिनकी वजह से उनका बीपी भी हाई लो होता था। उनको एक कार्डियरिक अरेस्ट आया, यानी कि उनको अटैक आया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा, जिसमें उन्होंने नजराना में एक छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। उन्हें मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई से लोकप्रियता मिली और उनकी आखिरी फिल्म कलंक थी, जिसमें उन्होंने माधुरी पर फिल्माया गया गाना तबाह हो गया गाने को कोरियोग्राफ किया था। इस महान कलाकार को देवदास, जब भी मेट, श्रृंगारम फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगली जानकारी न्यूज फटाफट में, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 की थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। अगली जानकारी तक चलते हैं, अब बारी है आज के हमारे क्विज की, वन लाइनर की। किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पौधे लगाओ, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितनी धनराशि प्लेटफॉर्म और उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो 38,900 करोड़ रुपए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा भंडार हो गया है? 5वां। नाडा ने हाल ही में खिलाड़ियों को खेल निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षणों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? नाडा ऐप।
ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा कोविड 19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए लॉन्च किया गया था। मलावी में हाल ही में किसको राष्ट्रपति बनाया गया, उनका नाम है लॉजर मैकार्थी चकवेरा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक के लेखक कौन है, सीएवी पट्टाभिराम। भारतीय अमेरिकी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को, तो भारतीय अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी, इनको पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ग्रेट 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट की सूची में शामिल किया गया है। केरल सरकार ने कोविड 19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात की है। हर साल विश्व स्तर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को। और दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान जी का भी हाल ही में निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी जिनमें उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, तो वो कलंक थी। अब बारी है आज की क्विज की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है, तो यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सशस्त्र बलों के लिए धनराशि कितने धनराशि की मंजूरी दी है कि ताकि वो प्लेटफॉर्म और उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी है, तो वो उन्होंने दी है 38,900 करोड़ रुपए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा हो गया है, तो वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। नाडा ने हाल ही में खिलाड़ियों के खेल निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाडा ऐप। फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन द 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है, तो वो है वी पट्टाभिराम, सीएवी पट्टाभिराम। भारतीय अमेरिकी, उनका नाम क्या है, जिनको अभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 ग्रेट इंडियन इमिग्रेंट की सूची में शामिल किया गया है, तो वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। केरल सरकार ने कोविड 19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की बात की है, तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। कौन सा अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके द्वारा भारतीय नौसेना कोविड 19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाई थी, तो यह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। लगभग 4,000 के आसपास प्रवासी भारतीयों को वापस लाया गया। मलावी में हाल ही में किसको राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई है, तो उनका नाम है लजारस मकार्थी चकहरेरा। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर करण चांद का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफी की थी, तो वो था कलंक। हर साल विश्व स्तर पर विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।